नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स की, यानी कि ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स विच हैज़ बीन डिवाइज्ड रिसेंटली अक्टूबर पिछले महीने यानी कि अक्टूबर 2024 में। ये फर्स्ट टाइम दिस इंडेक्स हैज़ बीन डिवाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वॉल्विंग 180 कंट्रीज, 180 देशों के सेकेंडरी डाटा के आधार पे, यानी कि ये डाटा ड्रिवन एनालिसिस है। इस आधार पे ये एक नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स को डिवाइड किया गया है, एक इजराइल की यूनिवर्सिटी और एक कंजर्वेशन रिलेटेड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन रिलेटेड वेबसाइट है biodb.com। तो इन दोनों ने मिलकर के कोलैबोरेशन में ये नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स डिवाइड किया है लास्ट मंथ अक्टूबर 2024। तो इसकी खास बात क्या है कि ये अभी बड़ी लाइमलाइट में रहा है कि इंडिया परफॉर्मेंस इज वेरी पुअर, रादर एक्सट्रीमली पुअर। इंडिया रैंक इज 176 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, बिलो वर्स्ट फाइव परफॉर्मर्स में हमारा नाम आया है, देश का नाम। तो क्या इसमें टॉपर कौन रहा? इंडिया का स्कोर रहा 45.5 आउट ऑफ 100, और टॉपर जो है वो है लग्जमबर्ग 70.8 समथिंग, यानी कि 71 लगा लीजिए आउट ऑफ 100। इसके अलावा टॉप फाइव कंट्रीज में आपका डेनमार्क, फिनलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, स्विट्जरलैंड, ये सब टॉप 5-6 में आते हैं, जिनका नंबर आते हैं 65-71 आउट ऑफ 100। तो अब क्या कारण रहे, इसमें मेनली क्या कंसीडर किया गया ये डिवाइड करने के लिए नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स? तो चार मेन इसमें पैरामीटर्स कंसीडर किए गए, जिसको उन्होंने कहा है 4 की पिलर्स: लैंड मैनेजमेंट, थ्रेट्स, राइजिंग थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, आपका कैपेसिटी एंड गवर्नेंस जो कवर करता है आपके एनवायरमेंटल रिलेटेड लॉज, बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड लॉज कितने इफेक्टिव हैं, और चौथे नंबर पे है फ्यूचर ट्रेंड। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग फर्स्ट की पिलर या पैरामीटर, दैट इज लैंड मैनेजमेंट। अब लैंड मैनेजमेंट में हम कहाँ पिछड़ रहे हैं जिसके कारण ये रैंक हमारा बहुत नीचे चला गया। देखिए उसके वेबसाइट पर, इसमें लैंड मैनेजमेंट में उन्होंने जो मेन इंडिकेटर लिए हैं वो है कवरेज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। अब प्रोटेक्टेड एरियाज लैंड बेस्ड प्रोटेक्टेड एरियाज भी हैं और मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज भी हैं। लैंड बेस्ड यानी कि टेरेस्ट्रियल प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो हमारा लगभग 5% ज्योग्राफिकल एरिया अंडर प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है, जबकि ग्लोबल एवरेज है अराउंड 15-16%। तो हम इसमें लगभग 10% पीछे हैं। इसी तरह अगर मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो हमारा 1% मैरीन एरिया जो है अंडर प्रोटेक्टेड नेटवर्क नहीं है, जबकि ग्लोबल एवरेज है 8%। तो इन दोनों प्रोटेक्टेड एरियाज में हम काफ़ी पीछे हैं। दूसरा इसमें परफॉर्मेंस इंडिकेटर है लैंड मैनेजमेंट में कवरेज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, यानी कि किस कवरेज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया तो मैंने कंसीडर कर लिया। कनेक्टेडनेस ऑफ लैंडस्केप, यानी कि आपके जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो किस तरह से कनेक्ट हैं, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हाउ फार दे आर इफेक्टिव, इसमें हम बहुत पीछे हैं, इसीलिए मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादातर हमारे कनेक्टेड नहीं हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। तीसरा परफॉर्मेंस इंडिकेटर है लैंड मैनेजमेंट में एक्सटेंट ऑफ कन्वर्टेड लैंड, यानी कि फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें विकसित देश बनना है 2047 तक। पिछले 75 साल में लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर आपका फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट हो चुकी है फॉर डेवलपमेंटल पर्पज, और ये 60,000 स्क्वायर किलोमीटर आता है लगभग 40 टाइम्स ऑफ दिल्ली एरिया। दिल्ली का एरिया है लगभग 1483 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 40 गुना दिल्ली का एरिया हम डाइवर्ट कर चुके हैं और
फॉरेस्ट एरिया डाइवर्ट कर चुके हैं फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। चौथा परफॉर्मेंस इंडिकेटर अंडर लैंड मैनेजमेंट में है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज इन नाइट्रोजन एंड पेस्टिसाइड यूज, यानी कि केमिकल यूज, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत ज़्यादा है, पेस्टिसाइड केमिकल पेस्टिसाइड का यूज बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ लोग प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, जिस पे गवर्नमेंट बहुत जोर दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको अपनाने को तैयार नहीं है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अपनाने को तैयार नहीं है, हर बार वो वीट और राइस की साइकिल चलती रहती है। ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, और शहरों के आसपास तो अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को यूज किया जाता है फॉर ग्रोइंग क्रॉप एज वेल एज फॉर वेजिटेबल्स। ये मुख्य कारण है जिसकी जिसमें हम काफ़ी पिछड़ रहे हैं, और हमारा जो लैंड मैनेजमेंट है दैट इज बिकमिंग इनएफिशिएंट लैंड मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में मैंने ये फर्स्ट की पिलर, यानी कि जो पहला पैरामीटर है लैंड मैनेजमेंट, उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स का जो दूसरा पैरामीटर है या की पिलर है दैट इज राइजिंग थ्रेट टू अवर बायोडाइवर्सिटी, इसको कवर करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।